हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मेरा नाम है ज्योति, आप लोग देख रहे हैं मनु ज्योति ब्लॉग। तो आज इस वीडियो में मैं आपको ब्राइडल मेहंदी लगाना बताऊंगी। तो मैंने ये सिर्फ पैरों पे लगा के बताई है और एक मेहंदी डिज़ाइन में पहले से ही अपलोड कर चुकी हूँ, आप लोग प्लीज़ एक बार देख लीजिए। और ये बहुत छोटी सी कोशिश है और मैंने ये अपने हाथों से ही लगाई है। तो अगर आप अपने घर पे अकेले हैं और अभी फेस्टिवल चल रहे हैं बहुत सारे और फंक्शन चल रहे हैं, तो अगर आप अपने पैरों पे मेहंदी लगाना चाहते हैं गाइस, तो आप इस तरह से मेहंदी लगा सकते हैं। ये बहुत ही इजी मेहंदी डिज़ाइन है और बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन होती हैं गाइस। तो मैं ये नहीं कहूँगी ये बहुत अच्छी है, पर ना ही अच्छी है ना ही ख़राब है। जैसी मैंने अपने हाथों से लगाई है तो मुझे बहुत अच्छी लगी और आप लोग भी इस तरह से लगा सकते हैं। तो चलिए फिर मैं आपको बताती हूँ ये मेहंदी डिज़ाइन मैंने कहाँ से स्टार्ट की है और किस तरह से लगाई है। तो आप देख रहे हो मैंने बिल्कुल थोड़ी सी ही पैरों में लगाई है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं फुल पैर की भी बताऊंगी। तो यहाँ स्टार्ट हो गई है मेहंदी लगना। तो सबसे पहले मैंने ऐसे फिंगर पे राउंड राउंड करके डिज़ाइन बना ली है और इसको आउटलाइन कर दिया है। आप कोई भी डिज़ाइन बनाएं तो आउटलाइन ज़रूर करें गाइस। इससे क्या होता है कि जो भी आप डिज़ाइन क्रिएट मतलब बनाते हैं वो एकदम अच्छे से दिखती है और उसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत अच्छी आती है। तो मैंने इसको अच्छे से आउटलाइन कर लिया है एंड आउटलाइन को आप इस तरह से ज़रूर कवर कर दें, जिससे क्या होता है एक बेस मिल जाता है डिज़ाइन को और डिज़ाइन बहुत अच्छी लगती है, खाली खाली नहीं लगती है। तो ये चीज़ आप हर एक आउटलाइन के ऊपर कर सकते हैं, या डॉट रख दीजिए या राउंड राउंड वाली डिज़ाइन बना दीजिए। ठीक, तो मैंने यहाँ पे नीचे पॉइंट रख दिए हैं गोल गोल बिंदियाँ सी और ऊपर राउंड राउंड वाली डिज़ाइन बना दी है। फिर मैंने जो फिंगर है वो एक सिंपल सी डिज़ाइन से फिल कर दिए हैं। आप यहाँ पे अलग डिज़ाइन भी बना सकते हैं, बट आप यहाँ अगर एक सी डिज़ाइन बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो आप देख रहे हो किस तरह से मैं फिल कर रही हूँ। तो इसी तरह से आपको फिल करना है गाइस। और मैं कोन को अपने अपने पकड़ने का तरीका है, कोई ऊपर से पकड़ता है कोई नीचे से पकड़ता है, मैं इसी तरह पकड़ के लगा लेती हूँ। तो अपने हाथों से लगाना थोड़ा टफ होता है गाइस, बट आप लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लगा नहीं सकते हैं। तो मैं ये अपने हाथों से ही लगा रही हूँ। तो आप देख रहे हो फिंगर मैंने किस तरह से फिल कर ली है। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है और आपके लिए यूज़फुल है तो आप इसको और भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। और अगर डिज़ाइन थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। आप अगर लाइक करते हैं तो उससे मुझे ये पता चलता है कि जो भी मैंने वीडियो बनाई है या जो भी चीज़ आपको मैं समझा रही हूँ वो आपको समझ में आ रही है गाइस। तो आप लोग प्लीज़ एक लाइक कर दिया कीजिए। आप मतलब आपको कैसे बताऊँ, आप एक लाइक करते हो तो उससे मुझे ये बस समझ में आता है कि जो मैं कोशिश कर रही हूँ वो आप तक पहुँच रही है और आपको समझ में आ रही है। तो धीमे धीमे से सब कुछ अच्छा होता है। तो इसी तरह से मैं आशा करती हूँ आप लोग मेरा सपोर्ट करेंगे और आप मेरा साथ देंगे। तो अगर आपको थोड़ी सी भी डिज़ाइन अच्छी लगी है और आपको समझ में आ रही है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर किसी के लिए हेल्पफुल हो तो मेरी वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरह से मैंने क्रॉस क्रॉस बना लिए हैं और बहुत ही सिंपल डिज़ाइन मैंने आपको बताई है गाइस। यूट्यूब पे बहुत सारी डिज़ाइंस हैं और बहुत अच्छी अच्छी डिज़ाइन हैं, बट वो डिज़ाइन जो आप मतलब ईजिली तरीके से क्रिएट कर लें तो ये उस तरीके की डिज़ाइन है, इसको कोई भी क्रिएट कर सकता है। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो मेरी थोड़ी सी अच्छी लग रही होगी। तो आप देख रहे हो मैंने किस तरह से क्रॉस क्रॉस कर लिया है और पीछे हील भी मैंने क्रॉस क्रॉस करके ही कवर कर ली है। एंड अगर मैं इसको ऐसे ही छोड़ देती तो ये अच्छी नहीं लगती, तो मैंने ऊपर थोड़ी सी अरेबिक डिजाइन बना दी है गाइस। और आप लोग अगर कमेंट करेंगे तो ही मैं फुल लेग की मतलब पूरे पैर की जो ब्राइडल वाली होती है ना वो दिखाऊँगी। तो मैंने अभी थोड़ी सी ही आपको दिखाई है अपने फंक्शन मतलब अपनी शादी में, शादी के लिए नहीं, अगर आपकी सालगिरह है तो आप लगा सकते हैं, आप किसी की शादी में जा रहे हैं तो लगा सकते हैं, और अगर आपके घर में शादी है तो आप लगा सकते हैं, ठीक। तो ये उस टाइप की मेहंदी डिजाइन है। और तो इस तरह से मैंने ये डिजाइन फिल कर ली है और इसको मैंने सेट कर दिया है सिर्फ, आप फिल भी कर सकते हैं गाइस। तो जो मैंने ये क्रॉस बनाए हैं इसमें मैं अभी आप देख रहे हो 4-4 पॉइंट रख रही हूँ, छोटी छोटी सी बिंदी रख रही हूँ।
तो ये आप बाद में ही रखें, कभी भी आप क्रॉस वाली डिज़ाइन बनाएं, क्योंकि जब ये लाइन थोड़ी सी ड्राई हो जाती है तभी जो बीच में आप बनाते हो ना बहुत अच्छे से बनती हैं और कलर पूरे में नहीं फैलता, सिर्फ आपकी चार जो आपने चार डॉट डॉट रखे हैं वो ही लगेंगी, बाकी इधर उधर कुछ भी नहीं फैलेगा। नहीं तो आप क्या करोगे, अगर आप फोर पॉइंट रख रहे हो तो वो फोर पॉइंट की जगह एक बड़ी सी बिंदी बन जाएगी, तो इसलिए मैं बोल रही हूँ ठीक। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। इस तरह से मैं सभी में ये फोर फोर पॉइंट रख ले रही हूँ और क्रॉस में बहुत अलग अलग सी बहुत अच्छी अच्छी सी डिज़ाइन बनती हैं गाइस। तो आप अगर कमेंट करेंगे तो मैं और भी डिज़ाइन बताऊँगी आपको अलग से। तो इस तरह से मैं पूरे पैर को फिल कर लूँगी गाइस। तो ये जब पूरी रच गई थी ना तो बहुत अच्छी लगी थी गाइस। तो आशा करती हूँ आपको मेरी ये वाली डिज़ाइन अच्छी लगी होगी। और मैंने अपने चैनल पे बहुत सारी वीडियो मेकअप से रिलेटिव एंड महावर कैसे आप लगा सकते हैं, इजी वाली डिज़ाइन, टफ वाली डिज़ाइन, बहुत सारी अपलोड की हैं, तो प्लीज़ आप एक बार चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को और मेरा सपोर्ट करें गाइस। तो इस वीडियो को अब मैं एंड करना चाहूँगी गाइस। तो आप लोग प्लीज़ एक बार ये वाली डिज़ाइन ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। और अगर आपको किसी और के लगानी है और आप सोच रहे हैं कि मैं किस तरह से लगाऊँ, तो आप ये वाली डिज़ाइन ज़रूर लगाइएगा। ये बहुत ईजी है और इससे पैर खाली भी नहीं लगता है, भरा हुआ भी नहीं लगता है, रचने के बाद बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि किसी के आप मेहंदी लगाना चाहते हैं तो आप इस तरह से भी लगा सकते हैं ठीक। और अगर आपको और डिज़ाइन देखनी है तो आप एक बार कमेंट कर दीजिए, तो मैं ज़रूर ट्राई करूँगी। तो इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।